ग्वालियर की वीवीआईपी रोड कही जाने वाली गांधी रोड पर एसएसपी बंगला और कुटुंब न्यायालय के बीच सड़क किनारे लापरवाही से खोदे गए गड्ढे और उससे वैसे ही मिट्टी भरकर ढकने से रोज हादसे हो रहे हैं। गड्ढे की मिट्टी धस गई है और वहां कोई बैरिकेड्स भी नहीं लगे हैं। आए दिन वाहन चालक इस अनदेखे गड्ढे से हादसे का शिकार हो रहे हैं। बीते चार दिन में 5 हादसे हो चुके हैं। 31 दिसंबर की शाम एक बीबीए के छात्र की बाइक गड्ढे में पड़ी और वह सड़क पर 10 फीट तक घिसटता चला गया। हेलमेट पहने होने पर उसका सिर तो बच गया, लेकिन गर्दन से लेकर पूरे शरीर में कई जगह गंभीर चोट है। छात्र को बिड़ला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घायल छात्र के पिता ने एसएसपी को आवेदन कर लापरवाही से गड्ढा खोदने और उसे इस तरह छोड़ने वालों पर मामला दर्ज करने की मांग की है। शहर के मुरार स्थित जमुनादाई का मोहल्ला निवासी आशीष सरदाना एक प्राइवेट बैंक में कर्मचारी है। उनका बेटा वरुण सरदाना बीबीए का स्टूडेंट है। वह 31 दिसंबर को थाटीपुर से स्टेशन बजरिया की ओर जा रहा था। वह अपनी बाइक से अभी एसएसपी का बंगला से आगे ही गांधी रोड पर निकला था कि अचानक सड़क पर गड्ढा देख वह बाइक को संभाल नहीं पाया। गड्ढे में बाइक का पहिया आते ही गाड़ी वहीं फंसी रह गई, पर छात्र सड़क पर गिरा और करीब 10 फीट तक घसीटता चला गया। किस्मत से छात्र हेलमेट पहने था, इसलिए सिर में चोट लगने से बच गया, लेकिन गर्दन में गंभीर चोट है। रीढ़ की हड्डी में भी धमक लगी है और पूरे शरीर में कई जगह चोट है। घटना के बाद राहगीरों ने छात्र के परिजन को सूचना दी, जिसके बाद छात्र को गंभीर हालत में बिड़ला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अभी भी छात्र का इलाज चल रहा है। मंगलवार को छात्र के पिता आशीष सरदना ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है कि गड्ढे को लापरवाही से खोदने, फिर खाना पूर्ति कर भर कर चले जाने और हादसों के लिए इस तरह छोड़ देने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए और मामला दर्ज किया जाए। घायल छात्र के पिता आशीष सरदाना ने बताया कि उनके बेटे का कोई दोष नहीं है। लापरवाही से गड्ढा खोदा गया, फिर उसे ढका गया, अब मिट्टी धसक गई है जिससे रोज हादसे हो रहे हैं। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ आपका? मैं थाटेपुर से स्टेशन की तरफ जा रहा था जब ये हुआ मेरे साथ। मतलब मेरे आगे एक गाड़ी चल रही थी फोर व्हीलर, वो साइड से हटी तो एकदम से मेरे सामने एक गड्ढा आ गया। गड्ढे के ऊपर से मेरी गाड़ी हो गई। उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आपको क्या हो जाए, आप हॉस्पिटल में कहाँ चोटें लगी हैं आपको? मेरे ये हाथ पैर छिले और मेरा ये लेफ्ट साइड मेरी कमर और मेरा पैर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पा रहा है। तो आपकी 31 की शाम की घटना है, 7 बजे की। मेरा बच्चा ऑफिस से स्टेशन जा रहा था, एसपी बंगले के आगे ही एक गड्ढा खोदा हुआ है, जो कि गाड़ी एकदम आगे जाने से फॉग था और ना ही स्ट्रीट लाइट जल रही थी, ना ही कोई बैरिकेड लगा था। वो उसमें जाने से वो गाड़ी में गिरवा और वो आगे 10 फीट तक खिसकता हुआ चला गया। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।